भाई आज अपने पास ये एस्प्रेसो आई है जिसके अंदर हम आज म्यूजिक अपग्रेड का वो काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये 9 इंच का एंड्रॉइड टैब लगने वाला है, जो कि हमारा आप देख पाएंगे ये 9 इंची 2+16 है, IPS डिस्प्ले के साथ आता है ये। तो ये वाला हम एंड्रॉइड टैब लगा रहे हैं इसके अंदर। तो भाई गर्मी कितनी हो रही है, और साथ में हमारा ये JBL का 300 वॉट मारुति जेनवन एसेसरीज, ये वाला हम स्पीकर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया स्पीकर है, CX36SI, बहुत अल्टीमेट स्पीकर है, JBL बाई हरमन। और इसके अंदर जो वायरिंग किट हम करने वाले हैं वो अपना मैक्सलिंक का 8 गेज की वायरिंग किट रहने वाली है। साथ में हमारे ये फेरिंग के रेन गार्ड लगाएंगे, जिसमें हमारे जो स्पीकर्स होते हैं स्पीकर्स में वाटर का है, वाटर अंदर आपको पानी से स्पीकर जो ख़राब हो तो ख़राब नहीं होंगे स्पीकर्स। एंड साथ में हमारा ये 4 चैनल का एम्प लगने वाला है इसके अंदर। भाई ये एसेंट भी का एम्प आता है, 6600 वॉट का एम्प है, ये वाला लगने वाला हमारा इसके अंदर। और इसकी एम्प की प्लेसमेंट भाई हम इसमें यहाँ पे करने वाले हैं। और पीछे बेस ट्यूब की बात करें तो 10 इंची का इसके अंदर हम एडिशन ब्रांड का बेस ट्यूब लगाने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो भाई काम अपना स्टार्ट हो गया है, डैम्पिंग अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे इसके अंदर, नेक्स्ट में हम डैम्पिंग करेंगे इसके अंदर, डैम्पिंग का भी कोई काम नहीं हो रहा। और ये एस्प्रेसो अपने पास है ऑटोमेटिक, देख पाएंगे ऐसे जो भी काम अपना होगा सारा कपलर टू कपलर होगा। भाई JBL के अपने ये मारुति सुजुकी के जेन्युइन स्पीकर है, जो कि शोरूम वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। MRP इसके 3290 रुपये है। और इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये हमारा 3-way जो आफ्टर मार्केट के स्पीकर होते हैं उससे काफ़ी हैवी और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के होते हैं, जिसकी आप बिल्ड क्वालिटी देख पाएंगे। ये अपने मारुति के ओरिजिनल JBL के स्पीकर्स है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख पाएंगे। और ये इसका 8 नंबर, और इसके साथ कंपनी हमें 2 ये मारुति के लिए कपलर भी प्रोवाइड करती है। ये सॉकेट भी आपको कंपनी देती है, जो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं। और सॉकेट की आप बिल्ड क्वालिटी इनकी देख सकते हैं, बकायदा फोम के साथ रैप्ड होता है इनका ये सॉकेट जो होता है। ये हमें JBL के अगर मारुति के ओरिजिनल स्पीकर हम लगाते हैं तो इसके साथ ऑफर होता है ये। और ये इसका वारंटी कार्ड है, JBL ओरिजिनल वारंटी कार्ड है इसका। ये अपने JBL के स्पीकर यहाँ इंस्टॉल कर दिए हमने, जैसा कि आप देख पाएंगे पूरे रेन गार्ड के साथ स्पीकर हमारे यहाँ इंस्टॉल हुए। और ये हमारा एंड्रॉइड टैब है, जो कि आप देख सकते हैं 7 बैंड इक्वलाइजर के साथ हमने इसमें लगाया हुआ है, जो कि पूरे फंक्शन इसके वर्क करते हैं, वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा। सारे फंक्शन वर्क करते हैं इसके। जैसा कि आप देख पाएंगे हमारे वायरिंग करने का तरीका, बकायदा हम फ्यूज़ लगा के फिर इसके बाद स्लिप चढ़ा के पूरी वायरिंग करते हैं, कहीं से आपको वायरिंग दिखाई नहीं देगा। और सारा वायरिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लिप चढ़ा के हमने वायरिंग की हुई है इसके अंदर। और ये इसकी फ्यूज की डब्बी लगती है, आगे हम के लिए फ्यूज की डब्बी लगाना ज़रूरी होता है, ये हम ज़रूर लगा के देते हैं फ्यूज की डब्बी। ये अपने वायरिंग किट के साथ आती है, अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, वायरिंग किट के साथ आती है। हमारा 4 चैनल का एम्प लगाया हमने इसके अंदर, और ये एडिशन ब्रांड का हमने ये 9-10 इंची का ये बेस्ट लगाया इसके अंदर।
इसकी आवाज़ आपको चेक कराता हूँ मैं।